हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा आपके साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो प्यारे बच्चों, सॉरी आपके लेक्चर्स डिसकंटिन्यू हो गए थे पहले। एक्चुअली मैं तबीयत ख़राब हो गई थी, 3-4 दिन फीवर रहा और अब भी परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं आ चुका हूं क्योंकि बच्चों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर लेक्चर्स बनाइए, लेक्चर्स अपलोड कीजिए, वी आर वेटिंग। तो इसके लिए मैं आपसे फिर से सॉरी बोल रहा हूं। तो परेशान मत हो, मैं जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस करा दूंगा। अब जैसे रोज़ एक लेक्चर आ रहा था तो बीच में दो दो लेक्चर डाल दूंगा, आप परेशान ना हो बिल्कुल भी। पहले से पहले आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा और उसके बाद इनऑर्गेनिक का भी। और रैंक बूस्टर सीरीज के लेक्चर ज़रूर देखते रहो आप, उसमें जो मैं क्वेश्चंस देता हूँ ना वो आपको बूस्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो हम कर रहे थे बेटा एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और इसके ऑलरेडी 7 लेक्चर्स हम कर चुके हैं और आज है लेक्चर नंबर 8। और जो प्रीवियस लेक्चर था वो था हमारा केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये इसके प्रीवियस लेक्चर्स थे और इसमें भी हमने आपको 4 रिएक्शंस में ऑलरेडी करा चुका हूँ। एक तो थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नंबर 2 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर। तो इसमें मैंने कराई थी आपको टोटल 5 रिएक्शंस, इसमें टोटल कराई थी 7 रिएक्शंस। एक्चुअली में ये वो है अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स वाले रिएक्शन, ठीक है। उसमें उसके बाद आ जाते हैं हम नंबर 3 पर। नंबर 3 में मैंने कराई थी आपको रिडक्शन, ठीक है। तो लास्ट शायद रिडक्शन थी, हाँ रिडक्शन में करा चुका हूँ। तो आज हम करेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट लेक्चर नंबर 8, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये रिएक्शन है आई थिंक 4th, और इसमें हमारी कौन कौन सी रिएक्शंस आ जाएंगी, इसमें टोटल हमारी 1, 2, 3, 4 रिएक्शंस आ जाएंगी। कौन कौन सी आएंगी, नंबर 1 ऑक्सीडेशन बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, देखो जैसे होते हैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। इसमें आ जाएगी हमारी नंबर 2 नाइट्रिक एसिड एटसेट्रा। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जिनसे ऑक्सीडेशन करेंगे हम एल्डिहाइड का। नंबर 2 इसमें आ जाती है ऑक्सीडेशन बाय टॉलेंस टेस्ट या टॉलेंस रिएजेंट, ऑक्सीडेशन बाय टॉलेंस रिएजेंट। नंबर 3 ऑक्सीडेशन बाय फेलिंग्स सॉल्यूशंस,
फेलिंग्स सॉल्यूशन। और भी ले लेते हैं, और लेना है। और ले लेते चलो एक और, ऑक्सीडेशन बाय सोडियम हाइपोहैलाइट NaOH। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये चार रिएक्शंस हैं, ये चारों ऑक्सीडेशन में इंक्लूड होती हैं। इन चारों को करेंगे हम आज के लेक्चर में। और इन ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 100% क्वेश्चन आएगा आज के लेक्चर से, 100% कोई चांस ही नहीं है कि इसमें से क्वेश्चन ना आए। चाहे फिर वो क्वेश्चन को कैसे भी दे वो आपको, चाहे वो कंप्लीट करने के लिए क्वेश्चंस को देगा वो, चाहे व्हाट हैपन व्हेन में देगा, चाहे हाउ विल यू प्रिपेयर में देगा, वॉट एवर क्वेश्चन का टाइप कुछ भी हो सकता है, बट इस टॉपिक में से 100% आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। मजा आ जाएगा इसमें, क्योंकि बच्चों के समझ में नहीं आती ये सारी चीज़ें, और मैं इतने सिंप्लीफाइड तरीके से कराऊंगा आपको, किसी बुक में नहीं मिलेगा, नेट पे कहीं नहीं मिलेगा। और मैं सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ, मैं जो भी करा रहा हूँ ना आपको, मैं 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ, पूरी यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा कंटेंट। मैं पूरा तो फुल कोर्स करा रहा हूँ, बीच में से कोई टॉपिक स्किप नहीं करा रहा हूँ, सिक्वेंस से करा रहा हूँ। जैसे NCERT के अंदर टॉपिक वन बाय वन है ना टॉपिक, बिल्कुल ऐसे ही एक एक टॉपिक एक एक रिएक्शन करा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि बीच में से कहीं से भी कुछ भी उठा के और पढ़ा दिया, आपका चैप्टर खत्म कर दिया। एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड NCERT को फॉलो करके करा रहा हूँ मैं आपको। तो आप देखोगे, अगर आप लेक्चर्स को सिक्वेंस से पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आपको ना कहीं कोचिंग लेने की जरूरत है, और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ईजिली प्रिपेयर कर लोगे इन्हीं नोट्स से। बस इन्हीं को ही मैं अपग्रेड करूँगा आगे, एक बार ये सिलेबस पूरा हो जाए फिर इसी को मैं अपग्रेड करूँगा, ठीक है। तो चलिए बेटा, ऑक्सीडेशन करा रहा था मैं, तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, तो ये चार रिएक्शन है ऑक्सीडेशन के अंदर। फिर इसके बाद कराऊंगा रिएक्शन विद अल्केलाइज, फिर उसके बाद मिक्स रिएक्शन कराऊंगा, तो एल्डिहाइड के रिएक्शन हो जाएंगे खत्म। तो दो तीन लेक्चर हो रहे हैं, एल्डिहाइड के रिएक्शन खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद कराऊंगा बेंजाल्डिहाइड, फिर ऐसे ही कंटिन्यूसली चलते रहेंगे। चलो मेरे प्यारे बच्चों, करते हैं शुरू। नंबर वन, ऑक्सीडेशन बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो ए का मतलब क्या है? एल्डिहाइड, ठीक है। तो व्हेन एल्डिहाइड्स अंडरगो ऑक्सीडेशन by strong oxidizing agent, कौन कौन से होते हैं strong oxidizing agent? Such as acidified potassium dichromate, acidified potassium permanganate, या HNO3। तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर फॉर्म्ड। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो ये है मेरे पास RCHO एल्डिहाइड, इसका कर दिया मैंने ऑक्सीडेशन कर दिया, किसी से भी कर लो। चलो मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया K2Cr2O7 प्लस H2SO4, ठीक है, डाइल्यूट H2SO4। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा कौन? एल्डिहाइड, क्योंकि ये दोनों रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करेंगे? नेसेंट ऑक्सीजन। और मैंने लास्ट रिएक्शन में बताया था ये नेसेंट ऑक्सीजन एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये क्या था पहले? एल्डिहाइड बन क्या गया? कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड से बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड।
तो सपोज करो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको दे दिया कि मेरे पास है HCHO, इसका ऑक्सीडेशन करो, तो आप क्या करोगे, फॉर्मेल्डिहाइड को आप कन्वर्ट कर दोगे फॉर्मिक एसिड में। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही सारे एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएंगे धीरे 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 धीरे। अब है मेरे पास CH3CHO एसिटाल्डिहाइड, इसका ऑक्सीडेशन कर दो तो ये बन जाएगा मेरे पास एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है, चलो इसे नोट करो पहले। चलो भाई, जैसे CH3CH2CHO ऑक्सीडेशन, CH3CH2COOH, तो ये एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन है। कोई टेंशन तो नहीं है? वेरी गुड, होनी भी नहीं चाहिए, बहुत सिंपल है। अब नोट करके लिखो, कन्वर्जन है ये कि प्राइमरी अल्कोहल, इसका अगर आपने ऑक्सीडेशन कर दिया तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है एल्डिहाइड में, और अगर आपने रिएक्शन को कंटिन्यू रखा तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, और अगर रिएक्शन मिक्सचर से आपने एल्डिहाइड को रिमूव कर दिया तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो ये आपको नोट करना है, ठीक है, बहुत ही अच्छा कन्वर्जन है। मैं आप आगे जब कन्वर्ट कराऊंगा ना तो उसमें यूज करेंगे इसको बहुत अच्छे से, आप एक्सपर्ट हो जाओगे इसमें। चलो मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। इसमें एक खास बात ये भी है कि अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों में होते हैं सेम कार्बन एटम्स, पूरे कन्वर्जन में कार्बन एटम रहते हैं सेम कार्बन एटम। सपोज करो मैंने यहाँ पे ले लिया मीथेनॉल का ऑक्सीडेशन कर दिया मैंने, ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा मीथेनल HCHO, और इसका फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो ये बन जाएगा मीथेनोइक एसिड। ये इसका एक एग्जांपल है, जैसे मान लो CH3CH2OH, ये है इथेनॉल, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका ऑक्सीडेशन कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, इथेनल, और इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये CH3CHCOH इथेनोइक एसिड। तो ये है भाई नंबर वन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। अब कराता हूं मेरे प्यारे बच्चों ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। कीटोन, तो कीटोन लिखो, व्हेन कीटोन्स अंडरगोज ऑक्सीडेशन बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर फॉर्म्ड, नहीं, मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर फाउंड। वहां पर बन रहा था कार्बोक्सिलिक एसिड और यहां बनेगा मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्यों, ड्यू टू क्लीवेज ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप फ्रॉम एल्काइल ग्रुप, तो इस कार्बोनाइल ग्रुप का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों क्लीवेज एल्काइल ग्रुप से, जिससे कि दो मिलेंगे हमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब इसमें एक रूल होता है, उस रूल का नाम है पॉपऑफ रूल का यूज करके पता लगाएंगे कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। पॉपऑफ रूल,
तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्लीवेज अकर्स एट विच या क्लीवेज अकर्स इन सच ए वे दैट कार्बोनाइल ग्रुप कंटेन स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या लिखवा रहे हैं भाई, अब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, सपोज करो मेरे पास इस तरीके से कोई कंपाउंड है R, CH2CO और CH2R-. चलो मान लो ये हो गया। अब यहाँ पर एल्काइल ग्रुप इधर तो है, सपोज करो एक कार्बन ये रहा, एक रहा दो, और इधर है तीन कार्बन। तो यहाँ पर ना इसका अगर आपने ऑक्सीडेशन कर दिया, सपोज करो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 से, तो क्लीवेज दो तरीके से देखो पॉसिबल है। एक क्लीवेज तो ये पॉसिबल है कि यहाँ से क्लीवेज हो जाएगा, तो जब ये यहाँ से क्लीवेज होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैं कर रहा हूँ क्लीवेज यहाँ से, तो एक तो ये बन जाएगा R CH2 वाले का बन जाएगा COOH+, एक तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और हमेशा कम कार्बन होंगे प्रोडक्ट में, और एक ये बन जाएगा R-CH2COOH, एक ये बन जाएगा प्रोडक्ट हमारा। अब दूसरा कैसे होगा, एक क्लीवेज मेरे प्यारे बच्चों ये पॉसिबल है, एक क्लीवेज ये पॉसिबल है ये वाला यहां से, तो ये बन जाएगा आपका एक प्रोडक्ट R-CH2COOH, एक तो इतना बनेगा पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का, एक इतना बनेगा R-CH2COOH, और ये वाले जो प्रोडक्ट्स होंगे ये होंगे मेजर, ठीक है, और ये वाले जो होंगे ये हो गए माइनर। तो प्रोडक्ट आपको ये बना के दिखाने हमेशा, क्यों पॉप ऑफ रूल बोल रहा है, ये वाले पॉप ऑफ रूल क्या बोल रहा है, क्लीवेज अकर्स इन सच ए वे दैट कार्बोनाइल ग्रुप कंटेन स्मॉलर एल्काइल ग्रुप, तो ये कार्बोनाइल ग्रुप उस साइड आएगा जहाँ एल्काइल ग्रुप स्मॉलर हो। अगर यहाँ एल्काइल ग्रुप आप देखोगे, अगर मैं इसे CH3 कंसिडर करता हूँ तो ये बन जाएगा प्रोपाइल, और इसे CH3 कंसिडर करता हूँ तो ये बन जाएगा इथाइल। तो यहाँ पर देखो इथाइल है, यहाँ प्रोपाइल है, तो लोअर के साथ कार्बोनाइल जाएगा, तो वो बन जाएगा आपका आंसर। चलो मैं क्वेश्चन देता हूँ अभी, उसे करोगे आप, सपोज करो ये CH3 CH2 CO CH3, ऑक्सीडेशन करो, तो मेरे प्यारे बच्चों इससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे जिसमें कार्बन कंपाउंड होंगे लेस, कार्बन एटम्स होंगे लेस, तो यहां पर देखो कार्बोनाइल ग्रुप CH3 के साथ चला जाएगा, तो यहां से क्लीवेज होगा इसका, तो ये बन जाएगा CH3COOH, दो कार्बन वाला एसिड तो वो बनेगा, और ये बन जाएगा CH3COOH, ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। सपोज करो ये है मेरे पास,
इसका क्लीवेज करो, इसका बनाओ प्रोडक्ट, हाँ तो एल्काइल ग्रुप जो स्मॉलर है उसके साथ कार्बोनाइल को ले आओ, तो ये बन जाएगा 1, 2, 3, 4, चार कार्बन वाला कार्बोक्सिल ब्यूटेनोइक एसिड, और वहां दो कार्बन वाला इथेनोइक एसिड आंसर। तो ये है हमारा क्लीवेज ऑफ कीटोनिक ग्रुप, नोट कर लो बेटा। आज बूस्टर सीरीज का एक लेक्चर भी लेकर आऊंगा आपके लिए, बहुत अच्छा, उसे भी करना। ये पेन थोड़ा अजीब सा चल रहा है, इसे देखते हैं चला के। नंबर टू, ऑक्सीडेशन बाय वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स दो होते हैं हमारे पास, तो उसी में ही ले लेता हूं पहले। नंबर वन टॉलरेंस टेस्ट। टॉलरेंस टेस्ट क्या है? इसका दूसरा नाम है इसी रिएक्शन का, ये दूसरी है, इसके बाद थर्ड कराऊंगा फेलिंग्स टेस्ट। इसका दूसरा नाम है, इसी को ही बोलते हैं हम सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट, क्या कह रहे हो सर? मिरर बनता है, बिल्कुल मिरर बनता है, ऐसा मिरर बनता है, अपना फेस देख लेना, अपने बाल वाल सेट कर लेना, अपने कुछ भी कर लेना, घर में ला कर रख देना, रोज उसमें तैयार होना मिरर में। बहुत अच्छी रिएक्शन है एक्चुअली में, ये रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन में डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होती है। तो ये टेस्ट कीटोन नहीं देता, ओनली एल्डिहाइड। सो दिस टेस्ट इज गिवन बाय एल्डिहाइड्स ओनली। तो ये टेस्ट केवल एल्डिहाइड्स देगा, और इसी वजह से इसका यूज करते हैं हम एल्डिहाइड और कीटोन में डिस्टिंग्विश करने के लिए। अगर एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड और कीटोन्स में कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, कैसे पता लगाओगे कि मैंने एक बीकर में आपको एल्डिहाइड दे दिया, दूसरे में कीटोन दे दिया, दोनों देखने में एक जैसे ही है, तो आप कैसे पता लगाओगे? कि फिजिकली आप पता नहीं लगा सकते, दोनों लिक्विड है, कलरलेस लिक्विड है, तो आप कैसे पता लगाओगे कौन एल्डिहाइड है कौन कीटोन है? तो आपको टेस्ट करना है इसमें, ठीक है? तो एल्डिहाइड के लिए यूज करते हैं इसको, देयरफॉर इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो एल्डिहाइड्स और कीटोन में डिस्टिंग्विश करने के लिए सिल्वर मिरर टेस्ट का हम यूज करते हैं, ठीक है? तो ये रिएक्शन नंबर सेकंड है ऑक्सीडेशन में ही, ये ऑक्सीडेशन में सेकंड नंबर की रिएक्शन है। अब टॉलरेंस टेस्ट रिएजेंट होता क्या है, पहले तो ये समझेंगे हम। तो टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है? इट इज अमोनियकल solution of
सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिया का सॉल्यूशन होता है ये। सिल्वर नाइट्रेट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला देंगे तो टोलन रिएजेंट बनेगा। सो इट इज प्रिपेयर्ड, इट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग सिल्वर नाइट्रेट एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट को मिक्स करके बना सकते हैं हम इसको। इसका नेम क्या होता है? तो इसका नाम होता है, इट्स नेम इज तो टोलन्स रिएजेंट का नाम क्या है? साइंटिस्ट का नाम है, कभी सोचो एक कंपाउंड का नाम है। टोलन्स रिएजेंट इज डाई एमाइन सिल्वर वन हाइड्रोक्साइड। तो डाइएमाइन सिल्वर वन क्लोराइड का फॉर्मूला ये बन जाएगा इसका, डाइएमाइन सिल्वर वन हाइड्रोक्साइड। ये है बेटा टोलन्स रिएजेंट। अब आपको पता चल गया होगा टोलन्स रिएजेंट क्या है। ये है टोलन्स रिएजेंट। तो इसकी एक खास बात है बहुत अच्छी, ये एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। सो इट कैन ऑक्सीडाइज, इट कैन ऑक्सीडाइज एलिफैटिक एज वेल एज एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। चलो तो अब बताता हूं मैं टेस्ट है क्या, ठीक है। अब टेस्ट के बारे में बताता हूं। अब तक मैंने ये बताया था टोलन रिएजेंट क्या, अब टेस्ट बताता हूं, ठीक है। तो टोलन्स टेस्ट, तो टोलन्स टेस्ट डाल लो। अब बहुत कुछ बताना पड़ता है किसी चीज को पढ़ाने के लिए। तो when mixture of aldehyde, when mixture of aldehyde heat aldehyde and tollens reagent heated a bright चमकदार silver mirror is produced, this is called silver mirror test, this is also called silver mirror test। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों silver mirror test बताता हूँ आपको। तो देखो भाई क्या है silver mirror test, आप ले लो पहले silver nitrate, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट में मिक्स कर दो आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो सिल्वर नाइट्रेट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिक्स करोगे तो ये बन जाएगा इंटरमीडिएट Ag2O। ग्रे कलर का होता है ये, ब्लैकिश होता है, ब्लैक सा। तो जब आप एल्डिहाइड को लेकर हीट करोगे ना टोलन्स टेस्ट रिएजेंट को एल्डिहाइड के साथ, एक सेकेंड बेटा, सही चल रहा है, मुझे लग रहा था कैमरा बंद हो गया पर सही चल रहा है।
तो इंटरमीडिएट बनेगा आपका ग्रे कलर का सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है, ब्लैकिश होता है। तो जब आप हीट करोगे ना तो पहले ब्लैक 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 सब्सटेंस बनेगा, वो यही बनेगा Ag2O। बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि व्हेन वी प्रिपेयर टॉलरेंस रिएजेंट द इंटरमीडिएट इज सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है। और इसमें बनता है दूसरा अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड बन गया, अमोनियम नाइट्रेट बन गया प्लस H2O। तो ये भी अभी टॉलन रिएजेंट नहीं है, ये टॉलन रिएजेंट बनाने में हेल्प करता है Ag2O, ठीक है। अब Ag2O दोबारा से अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो अब ये बना देगा डाइएमाइन सिल्वर हाइड्रोक्साइड, डाइएमाइन सिल्वर वन हाइड्रोक्साइड, और ये है टॉलेंस रिएजेंट। क्या नाम है इसका? टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट बन गया भाई आपका, ठीक है। अब इसका यूज करेंगे हम टॉलेंस रिएजेंट का, ठीक है, बन गया टॉलेंस रिएजेंट। अब इसकी दो रिएक्शन लिखवाऊंगा, एक आयनिक एक मोलिकुलर, जो आपको अच्छी लगे वो याद कर लेना। ये तो NCERT की है जो मैं लिख रहा हूँ इस टाइम, ठीक है, ये जो मैं अब लिख रहा हूँ ये NCERT की है। उसने कहा है कि अगर एल्डिहाइड को आप टॉलेंस रिएजेंट के साथ हीट करोगे, टॉलेंस रिएजेंट होता है डाइएमाइन सिल्वर वन हाइड्रोक्साइड, तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन में, ठीक है। एल्डिहाइड से क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, सिल्वर रिड्यूस हो जाएगी 2 Ag, ठीक है, यही बन गया सिल्वर मिरर। ये बना सिल्वर मिरर। उसके बाद सिल्वर मिरर के बाद तो मेरे प्यारे बच्चों यह है सिल्वर मिरर टेस्ट कि अगर आप एल्डिहाइड को टॉलेंस रिएजेंट के साथ हीट करोगे, यह है टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है, यह है टॉलेंस रिएजेंट, और टॉलेंस रिएजेंट सिल्वर में रिड्यूस हो जाता है एल्डिहाइड के साथ और कार्बोक्सिलेट में ऑक्सीडाइज हो जाएगा एल्डिहाइड। तो इसको बोलते हम सिल्वर मिरर टेस्ट। बहुत प्यारा सा ब्राइट शाइनिंग सी टेस्ट ट्यूब में हमें रिजल्ट मिलता है, देख लेना, ये आपके सिलेबस में भी है, लैब में करोगे भी आप इसे। और जिन स्कूलों में नहीं कराते तो अपने सर से बोलना, अपने टीचर से बोलना, स्कूल वालों से बोलना कि लैब की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, आपका हक है ये, ठीक है। अच्छे अच्छे स्कूल तो कराते हैं, उनके स्कूल में लैब भी होती है और लैब भी टीचर्स भी अच्छे अच्छे होते हैं, वो लैब भी लेकर जाते हैं, लेकिन जो ये होते हैं ना लोकल स्कूल्स, अब वो लैब बेचारे क्या लेकर जाएंगे, फीस इतनी कम होती है वहाँ पर, तो लैब मेंटेन ही नहीं कर पाते वो। हाँ, इसकी एक मॉलिक्यूलर इक्वेशन है, जैसे मान लो मैंने यहाँ ले लिया CH3CHO, ठीक है, और इस पर लिख दिया ऊपर AgNH3 ट्वाइस प्लस OH माइनस। तो आप क्या काम करोगे, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलेट आयन में ऑक्सीडाइज कर दोगे और यहाँ पे इसको सिल्वर में रिड्यूस कर दोगे और NH3 और H2O। तो ये है हमारा सिल्वर मिरर टेस्ट। अगर मैं कीटोन से रिएक्शन कराऊं इसके CH3CO CH3 से, किसकी? टॉलेंस रिएजेंट की, तो प्रोडक्ट क्या बनाओगे आप बताओ, क्या प्रोडक्ट बनेगा? नो रिएक्शन, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा भाई, ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता इसको, ठीक है, एरोमेटिक को कर देता है, वो एरोमेटिक में भी बता दूंगा मैं इसको।
आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि एल्डिहाइड को मैंने हीट कर दिया किसके साथ, डाइएमाइन सिल्वर वन हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा अमोनियम सॉल्ट में, कार्बोक्सिलिक एसिड के अमोनियम सॉल्ट में, और ये बन जाएगा 2 Ag प्लस इसे ऐसे भी याद कर सकते हो आप, ये भी बहुत अच्छी है रिएक्शन। और किसी किसी बुक्स में ये भी दे देते हैं जो आपको अच्छा लगे, ऐसे भी दे देते हैं CHO और Ag2O। Ag2O क्या है, टॉलरेंस रिएजेंट का इंटरमीडिएट है, तो आपको खुद अपने दिमाग से सोचना है Ag2O कौन सी रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है। तो ये बन जाएगा आपका RCOOH, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 Ag। ठीक है, तो ये है बेटा हमारी सारी रिएक्शंस टॉलन रिएजेंट की, टॉलन टेस्ट की, एक बार नोट कर लो आप। हाँ यहाँ 2 आएगा, हो गया, ऐसा भी कर लो, ये भी कर लो, ये तीनों और है, आप चाहे इसे लिख लो, चाहे इसे, तीनों एक ही बात है, तीनों किसी भी फॉर्म में आ सकती है एग्जाम में। आज तो बहुत टाइम हो जाएगा इस हिसाब से, तो चलो भाई नंबर 3। फेलिंग्स टेस्ट, तो फेलिंग्स टेस्ट क्या है, तो फेलिंग टेस्ट से पहले हमें पता होना चाहिए फेलिंग्स सॉल्यूशन क्या है। तो फेलिंग्स सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ, फेलिंग सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ फेलिंग ए एंड फेलिंग बी। दो अलग अलग कंपाउंड है, एक का नाम है फेलिंग ए, एक का नाम है फेलिंग बी, इन दोनों का मिक्सचर है फेलिंग सॉल्यूशन। तो अगर आपसे कोई पूछे भाई फेलिंग सॉल्यूशन क्या है, तो आप बोलोगे अरे यार फेलिंग सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है, फेलिंग सॉल्यूशन फेलिंग ए प्लस फेलिंग बी। अब आपसे वो पूछने लगे भाई फेलिंग ए और फेलिंग बी क्या है, आप फिर घूम जाओगे, चक्कर खा जाओगे। तो भाई फेलिंग ए, फेलिंग ए ये तो है कॉपर सल्फेट का एल्केलाइन सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का एल्केलाइन सॉल्यूशन, ठीक है। और फेलिंग बी सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इसका दूसरा नाम भी है रोचेल्स सॉल्ट, रोचेल्स सॉल्ट इसका दूसरा नाम है रोचेल्स सॉल्ट। तो रोचेल्स सॉल्ट और कॉपर सल्फेट के एल्केलाइन सॉल्यूशन को बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, तो भाई फेलिंग सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट, इसमें डाल देते हैं हम एल्केलाइन NaOH, ठीक है, तो ये बन जाता है आपका CuOH whole twice
प्लस Na2SO4, ठीक है। तो ये है आपका CuOH होल ट्वाइस, इसे बोल देते हैं हम फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है। तो दोबारा से सुन लो, फेलिंग सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड रोचेल सॉल्ट। अब कॉपर सल्फेट ये रहा, एल्केलाइन बना दिया इसको, तो ये बन गया कॉपर हाइड्रोक्साइड। अब इसमें रोचेल सॉल्ट भी है, तो ये बन जाएगा फेलिंग सॉल्यूशन। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, RCHO इसमें मिक्स करोगे जब आप, पहले लिख देता हूँ मैं, उसके बाद लिखूंगा। तो वैन टॉलेंस टेस्ट लिख रहा हूँ मैं, वैन एल्डिहाइड्स, वैन मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड फेलिंग सॉल्यूशंस हीटेड, रेड पीपीटी इज फॉर्म्ड। और रेड पीपीटी का बनना ये प्रूव करता है कि उसमें एल्डिहाइड है। अगर RCHO को मैं फेलिंग सॉल्यूशन के साथ हीट कर दूं, RCHO को फेलिंग सॉल्यूशन के साथ हीट कर दूं, तो रेड पीपीटी बनेगी। और रेड पीपीटी किसकी बनेगी? CU2O, क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड होता है रेड कलर का, रेड ब्राउन पीपीटी बनेगी। तो इसका मतलब एल्डिहाइड है। अगर मैं RCOCH3 कीटोन को फेलिंग सॉल्यूशन में मिक्स करूंगा, क्या होगा? नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। अब रिएक्शन किस टाइप से होगी ये देखो। तो देखो मैं लिख रहा हूँ पहले NCERT की रिएक्शन कैसे है। NCERT की रिएक्शन आयनिक होती है, NCERT की रिएक्शन इसकी। तो यह है एल्डिहाइड, तो कॉपर सल्फेट होता है कॉपर आयन के फॉर्म में, Cu2+, ठीक है। और फिर उसमें होता है OH- हाइड्रोक्साइड, एल्केलाइन मीडियम में है ना, तो ये बन जाएगा आपका RCOO-, इसे बैलेंस करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन में ऑक्सीडाइज हो जाएगा ये, प्लस Cu2O+H2O, ये बन गई रेड पीपीटी। हो गया भाई प्रूफ कि ये एल्डिहाइड है, नोट कर लो इसे। हाँ, इसकी मॉलिक्यूलर रोड देखो जो आपको अच्छी लगेगी, मॉलिक्यूलर रिएक्शन। मैं तो इसे यूज़ करता था क्योंकि मुझे इजीली याद हो जाते थे। इसमें बैलेंसिंग में बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो भाई क्या होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड ये होता है फेलिंग सॉल्यूशन। देखो ये फेलिंग सॉल्यूशन है, फेलिंग सॉल्यूशन, ये भी फेलिंग सॉल्यूशन ही है। एल्केलाइन को Cu2+ आयन कॉपर हाइड्रोक्साइड बना देंगे, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, प्लस ये बना देगा Cu2O+H2O। हो गए रेड पीपीटी। सुपोज करो क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, कुलदीप सर ने पेपर दिया आपको और उसमें क्वेश्चन आ गया ये कि CH3CH2CHO+CuOH2। तो आप क्या काम करोगे? कुछ नहीं करोगे, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर दो और कॉपर हाइड्रोक्साइड को कॉपर ऑक्साइड में, प्लस H2O, ये बन गई रेड पीपीटी आंसर। तो बेटा मैंने तीन रिएक्शन करा दी, पहली एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड तो सेम कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कीटोन का क्लीवेज हो जाएगा और पॉप ऑफ रूल के अकॉर्डिंग कार्बोनाइल ग्रुप उसके साथ आ जाएगा जो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप है। उसके बाद सेकंड कराया मैंने टॉलन टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, डाइएमाइल सिल्वर 1 क्लोराइड को बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। क्या होता है? अमोनियाकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट में अमोनिया व हाइड्रोक्साइड मिक्स करेंगे तो इंटरमीडिएट Ag2O बनेगा, Ag2O फर्दर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके डाइएमाइल सिल्वर 1 क्लोराइड हाइड्रोक्साइड बनाएगा, तो वो बन जाएगा आपका टॉलेंस रिएजेंट। को हीट करोगे जब एल्डिहाइड के साथ, तो सिल्वर मिरर में रिड्यूस हो जाएगा टॉलन रिएजेंट और ऑक्सीडाइज कर देगा एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलेट आयन में। दूसरा कराया था मैंने फेलिंग टेस्ट में क्या होता है, दो कंपोनेंट फेलिंग ए और फेलिंग बी। फेलिंग ए होता है कॉपर सल्फेट का एल्केलाइन सॉल्यूशन, फेलिंग बी होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट
और कॉपर सल्फेट, ये दोनों जब मिक्स हो जाएंगे तो ये बन जाएगा फैलिंग सॉल्यूशन। फैलिंग सॉल्यूशन एल्डिहाइड के साथ रेड पीपीटी में बनेगा। अच्छा, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का फॉर्मूला भी पूछ लेता है वो कभी कभी, तो टेंशन ना लो। एक कंपाउंड होता है उसका नाम होता है टार्ट्रिक एसिड। ये टार्ट्रिक एसिड है, ये एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, बट यहाँ पे एक थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है जिससे कि ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। वैसे दो इसमें कायरल कार्बन है, दो कायरल सेंटर है इसमें, आपको दिख भी रहे होंगे, 1 2 3 चारों ग्रुप अलग है, 1 2 3 4 चारों ग्रुप अलग है, मीजो कंपाउंड है ये। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से हटा दूँ, यहाँ से हटा दूँ तो ये अब सॉल्ट बन जाएगा सोडियम पोटेशियम का, और इसका नाम है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इसी को बोलते हैं रोचेल सॉल्ट। रोचेल सॉल्ट, इसी का नाम है रोचेल सॉल्ट। तीन इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों, और आज मेरा इसलिए नहीं हंस पा रहा हूँ ना कुछ बोल पा रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि मेरी तबीयत है ख़राब, ठीक है, और मैं ज़्यादा दिन आपकी छुट्टी कर नहीं सकता, वरना आप मुझे बोलोगे कि सर तो छुट्टी कर रहे हैं, गायब हो गए YouTube से। मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा, बस एक ही बार जाऊँगा, जब जाऊँगा हमेशा के लिए जाऊँगा, वरना कभी नहीं जाऊँगा। मैं हमेशा YouTube पर एक्टिव रहूँगा, जितना मुझसे हो पाएगा आपके लिए हमेशा कोशिश करता रहूँगा। और मैं YouTube पर इसलिए आया था जिससे कि मैंने बहुत नोटिस किया था कि बहुत सारे बच्चे जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते एजुकेशन, दूर रहते हैं, स्पेशली गांव में जो बच्चे रहते हैं उन्हें एजुकेशन नहीं मिल पाती, टीचर नहीं मिल पाते अच्छे, और उनकी एजुकेशन रह जाती है, ख़राब हो जाती है, स्पेशली गर्ल्स। बॉयज़ का भी है, दूर दूर जाते हैं, 10-10 किलोमीटर, 5-5, 6-6 किलोमीटर, गाँव में बहुत बुरा हाल है, शहरों में तो फिर भी ईजिली एक्सेसिबल है। और ऑनलाइन में कोई भी टीचर अच्छा कंटेंट देते हैं तो ज़्यादा पैकेज, ज़्यादा फीस होती है उनकी, और फिर भी क्लास छूट जाती है तो नुकसान हो जाता है। मेरा क्या है, मैं आपको सीक्वेंस से जो लेक्चर दे रहा हूँ, आप लाइफ टाइम देखना, कभी भी सीक्वेंस से लेक्चर देखो, टेंशन ख़त्म, पूरे चैप्टर्स फुल कंटेंट A to Z सारा का सारा, किसी भी लेवल का हो, कोई भी टीच जो आप पढ़ोगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा यार क्या मज़ेदार चीज़ पढ़ा रहे हैं सर। और सबसे बड़ी बात, इतनी इजी लैंग्वेज में अगर कोई पढ़ा देगा ना, मैं पढ़ाने ही छोड़ दूंगा। ये चैलेंज है मेरा, इसे घमंड मत समझना, मैं कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। मैं बहुत मेहनत करता हूँ आपको बताने के लिए, पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए। इस लैंग्वेज में अगर कोई केमिस्ट्री पढ़ा देगा, मैं केमिस्ट्री पढ़ानी छोड़ दूंगा। आप बस ध्यान से फोकस होकर कंटिन्यूसली लेक्चर लेते रहो, रिपीट करते रहो। सबसे पहला काम है नोट जरूर बनाओ। आप नोट्स नहीं बनाते हो या फिर आप परेशान होते हो, नोट जरूर बनाओ। ठंड लग रही है मुझे, मैं देखो कोट वोट पहन के आया हूँ आज। नोट्स जरूर बनाओ, नोट्स बनाने से आप में परफेक्शन आएगी, इसकी प्रैक्टिस करो, बार बार बनाओ। मैं खुद नहीं देखता कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये सब मैंने एक दिन में अचीव नहीं किया, बहुत लंबा टाइम लगा है, बहुत मेहनत लगी है इसे करने में, ठीक है। और ऊपर से मैं अपनी लैंग्वेज में जो कराता हूँ, कुछ जो टीचर होंगे ना केमिस्ट्री के कोई आपके आसपास, उन्हें दिखाना, वो बताएंगे कि हाँ किस लेवल का पढ़ा रहे हैं सर, लाखों रुपए लेते हैं इन चीज़ों को पढ़ाने के लिए जो मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ। पर ये है ना, कोई भी चीज़ जब फ्री में मिलती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती फिर, तो यही बात है तुम्हारी भी, तुम्हें मिल रही है ना, इजीली एक्सेसिबल हूँ मैं, तो जिस दिन इजीली एक्सेसिबल नहीं होंगे आपके लिए, आपको वैल्यू का पता चल जाएगा। हालांकि कुछ बच्चे मेरी वैल्यू बहुत ज़्यादा करते हैं, जब वीडियो नहीं आ रही थी ना अभी 2-3 दिन, कमेंट्स पर कमेंट आ रहे थे बच्चों के, और मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना, बच्चों ने व्हाट्सअप मैसेज भी किए। और हाँ, लिंक में व्हाट्सअप चैनल का मैं लिंक डालूंगा, उसे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और कमेंट में अपनी प्रॉब्लम लिख दिया करो, मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लिखते हो ना कि सर आप क्लास क्यों नहीं ले रहे हो, मजा आ जाता है एकदम से, कि कितनी फिक्र है यार बच्चों को। चलो भाई, लास्ट रिएक्शन है आज की, इस रिएक्शन का नाम है नंबर 4 हेलोफॉर्म रिएक्शन। और वैसे इसका नाम हेलोफॉर्म रिएक्शन तो है, पर जो मेन, जो जिस नाम से जानी जाती है ना, जो इसका पॉपुलर नेम है वो है आयोडोफॉर्म रिएक्शन। आयोडोफॉर्म रिएक्शन, आयोडोफॉर्म रिएक्शन इसी नाम से ज़्यादा जानी जाती है, आयोडोफॉर्म के नाम से, क्योंकि आयोडोफॉर्म होता है एक येलो कलर का सब्सटेंस। सो आयोडोफॉर्म CHI3 इज अ
येलो कलर सब्सटेंस, येलो कलर सब्सटेंस इंडिकेशन देता है ना ये किसी भी चीज के प्रेजेंस होने का, ठीक है, किस चीज के प्रेजेंस होने का इंडिकेट देता है, तो व्हेन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, व्हेन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, और कौन से एल्डिहाइड और कौन से कीटोन्स, इसमें भी बात है, सारे एल्डिहाइड नहीं हो सकते, सारे कीटोन नहीं हो सकते, ठीक है, तो कौन से एल्डिहाइड और कौन से कीटोन, ये आगे बताऊंगा मैं, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन, चलो मैं लिख ही देता हूं, मिथाइल कीटोन, मिथाइल कीटोन ग्रुप जिसमें होगा, हीटेड विद NaOH प्लस X2 और NaOX, ठीक है, तो क्या बनेगा, हेलोफॉर्म आर फॉर्म, हेलोफॉर्म बनते हैं भाई, ठीक है। अब हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या है, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये है मेरे पास R C O CH3, इसको ध्यान से देखो, इसमें इससे भी सिंपल लेता हूं, पहले सबसे सिंपल एल्डिहाइड CH3 COH, ये है हमारे पास एसिटाइल्डिहाइड, और जब मैं इसकी रिएक्शन करूंगा NaOH से और Cl2 से, तो ये दोनों रिएक्शन करके NaOCl बना लेंगे, ठीक है, तो सोडियम हाइपोक्लोराइट आ जाए एग्जाम में, चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन आ जाए, इन दोनों में से कोई भी, ये भी आ सकता है, तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, तो याद रखना हमेशा मिथाइल कीटोन ग्रुप में, मिथाइल तो हेलोफॉर्म में कन्वर्ट होगा ये वाला ग्रुप, और ये बना देगा हमेशा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो CH3 का बन जाएगा CH Cl3, इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पर देखो Cl2 है, NaOCl है, और ये बन जाएगा सोडियम फॉर्मेट CH3COONa, बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा तुम्हें, तो रिएक्शन बुक में भी नहीं मिलने की, CH3COH, अब इसकी रिएक्शन अगर मैंने कर दी NaOH प्लस Br2 से या NaOBr से, तो अब क्या करोगे, आप कुछ नहीं करना आपको, बिल्कुल CH3 का तो बना दो CHBr3 ब्रोमोफॉर्म प्लस HCOONa, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन है, और ये है क्लोरोफॉर्म, ये है ब्रोमोफॉर्म, CH ये नहीं है, ये है क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म, कभी सोच रहे हो हेलोफॉर्म के, उससे बोल रहा था मैं, NaOH प्लस I2, ये दोनों रिएक्शन करके NaOI बना देंगे सोडियम हाइपोआयोडाइड, तो ये बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों CHI3, और पता है आपको मैं बिल्कुल भी एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं करता हूँ कि मैं इधर जा रहा हूँ, थोड़ी सी वीडियो बनाई देख के, फिर थोड़ी सी बनाई देख के, फिर उसको एडिट करके डाल दी, कट पेस्ट करके, जो ऐसी बन रही है लाइव चलाऊंगा, बिल्कुल ऐसे ही प्रीमियर लगाऊंगा, और इसमें कुछ नहीं करता मैं एडिटिंग, कुछ नहीं, बस बनी कट स्टॉप और एकदम से स्टार्ट, तो ऐसे ही आपको बनना है मेरी तरह, कुछ दिनों बाद आप कहोगे कि सर ने बहुत मेहनत करके पढ़ाया था हमें, तो ये बन जाएगा HCOONa, तो ये मैंने आपको तीन रिएक्शन बताई है, तो इनमें तीनों में सिमिलैरिटी क्या है, मिथाइल ग्रुप है कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, ठीक है, तो आपको भी बिल्कुल ऐसे करना है, तो अगर आपके साथ कभी भी R CO CH3 हो, मतलब मिथाइल कीटोन ग्रुप, और उसमें आपके पास हो NaOH प्लस X2, ठीक है, और यहाँ पे हो NaOX, तो आप क्या काम करोगे मेरे प्यारे बच्चों, इस CH3 का बना देना CHX3 प्लस, और इसका बना देना RCOONa, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे मैं और भी डिटेल में बता दूंगा, इतनी डिटेल बना दूंगा आपको चक्कर आ जाएंगे, पर मैं नहीं बताना चाह रहा यहाँ पर, क्योंकि चक्कर नहीं आने देना आपको, अभी केवल समझाना है रिएक्शन कैसे कंप्लीट करोगे,
ठीक है। अब पता है कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें मिथाइल कीटोन ग्रुप नहीं होता, लेकिन जब भी वो आयोडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, ठीक है। चलो पहले मैं अभी इसी के बता देता हूँ। अच्छा, इसकी एक खास बात यह है कि ये रिएक्शन डबल बॉन्ड का अटैक नहीं करती है। सो दिस डजंट अटैक ऑन डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड पर अटैक नहीं करता ये, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास ये कंपाउंड है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CO CH3 और यहाँ पे आ गया सर NaOH और I2, बताओ क्या करेंगे अब हम? कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, CH3 का बना दो CHI3 और पूरी की पूरी रिएक्शन वो चेन CH3 CH3 के बाद CH2 CH डबल बॉन्ड CH और CO का बना दो COONA। देखा, आया ना मजा? बिल्कुल, इसका बनाओ CHI3 और पूरी की चेन का बना दो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बन गया ना? बन गया। अब कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं यार उनमें मिथाइल कीटोन ग्रुप नहीं होता, जैसे कि इथेनॉल। और पता है इथेनॉल और मीथेनॉल में डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज करूंगा इसी रिएक्शन का मैं, इथेनॉल एंड टू ओल्स वो होते हैं जो सेकेंडरी एल्कोहल हो और सेकेंडरी एल्कोहल के साथ साथ OH ग्रुप सेकेंड कार्बन पे हो, सेकेंडरी एल्कोहल प्लस OH ग्रुप एट सेकेंड कार्बन। जैसे कि देखो टूल्स गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट, गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म रिएक्शन बोल लो। देखो जैसे ये CH CH2OH, क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा NaOI के साथ? कहोगे आप यस सर, क्यों? क्योंकि इथेनॉल ऑक्सीडाइज होकर इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा और इथेनॉल की मैंने अभी सिखाई थी, देखो ये रहा इथेनॉल, ये रहा इथेनॉल, इथेनॉल तो इथेनॉल, ये रहा इथेनॉल और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, याद रखना ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ा रहा हूं। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CHI3 प्लस HCOONA। वेरी गुड। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट, तो आप क्या काम करोगे? यस सर, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। क्यों देगा मेरे प्यारे बच्चों? सेकेंडरी एल्कोहल है और दूसरे 1, 2, 3 दूसरे कार्बन पे OH है, तो ये ऑक्सीडाइज होकर सेकेंडरी एल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा एसीटोन में, और कीटोन में होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CHI3 में और CH3COONA में। अब कुछ रिएक्शन आप कंप्लीट करके देना मुझे, CH3COCH3 NaOH प्लस I2, क्या होगा इसका? कुछ नहीं होगा, CH3 का तो बना दो CHI3 और CH3CO में एक और जोड़ के सॉल्ट बना दो सोडियम का, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये थी मेरी आयोडोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन सारी बता दी, बहुत ही अच्छे से बता दी, इससे ज़्यादा नहीं बताएगा कोई भी आपको आयोडोफॉर्म रिएक्शन हेलोफॉर्म रिएक्शन। चार ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराई है मैंने आज आपको, पहली तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, दूसरी टॉलन रिएजेंट से, तीसरी फेलिंग सॉल्यूशन से, और फोर्थ कराई है मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन से। तो आज की क्लास को इतने रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे रिएक्शन विद एल्केलाइज और उसके बाद मिक्स रिएक्शन, देन फिनिश हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, मिस यू ऑल, बहुत दिन में मिला मैं आपसे, टाटा बाय बाय, खुश रहो। 1 आवर की हो गई बेटा वीडियो पूरी, एग्जैक्ट 59 चल रही है।